हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज का वीडियो चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पॉलीनोमियल पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो इस पर जो क्वेश्चंस आता है वो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, और ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप अपने हमेशा सही करके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, दैट इज 2x² - 8x + 6। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसका आपको क्या निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलीनोमियल है। तो सॉल्यूशन विल गो लाइक दिस, लेट गिवेन क्या हो गया आपका, गिवेन पी एक्स इज इक्वल टू आप लिख लेंगे क्या है, 2x² - 8x - 6 + 6। तो अभी आप क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन है, तो 2 को आप बाहर ले लें, तो क्या बच जाएगा आपके पास, x² - 8x + 6। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा, कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, देख लीजिए 2 बाहर है, अभी आप लिख रहे हैं x² - 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 4, और यहाँ पर क्या बच गया, 3। तो इसको लिखेंगे -3x - x + 3। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा, x, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1। सो दिस कैन बी रिटन फर्दर, 2x कॉमन लिए तो x - 3, और फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 3। तो इसको फैक्टर के रूप में फिर से कैसे लिखा जा सकता है, 2 और फिर x - 3 बाहर आ जाएगा आपका, और क्या बच जाएगा, x - 1। तो आप क्या देख रहे हैं, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या आ गया, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल व्हाट पी एक्स इज क्या है, 3 है, यहाँ से आपको लीनियर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एंड 1। अब वेरिफिकेशंस का काम करेंगे। वेरिफिकेशन 2 लाइन में होता है, कैसे देख लीजिए, वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, पहला काम करना है आपको सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो कैसे निकालिएगा, इज इक्वल टू, 2 जीरो आपको मिले हैं, 3 और 1, तो 3 + 1 दोनों को जोड़ दिए। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ये कितना आ गया, 4 के बराबर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब आप क्या लिखेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमेटर को भी, ये क्या हो जाएगा, 8/2। अब आप देख सकते हैं ये कोफिशियंट है x का और ये कोफिशियंट है x² का, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा माइनस रहेगा आप 2 times - सब्सिट्यूट कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। अब आप इसको क्या लिखेंगे, -(x) / x² इस तरह से वेरीफाई हो गया। दूसरा आपको वेरीफाई करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3 × 1, 3 × 1 इज इक्वल टू 6, 6 को क्या लिखेंगे, 6/1, 3 × 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3/1। अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 × 2 / 1 × 2 क्या आ जाएगा, 6/2। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, आप देख सकते हैं सवाल में कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, सी है, 6 है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, -8 है, कोफिशियंट ऑफ x² क्या है, a 2 है। तो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x². इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं सवालों को जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पर बेस्ड होंगे। हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल भी बना लेंगे इस बार। और तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक और क्वेश्चन देखिए और उसको वेरीफाई कीजिए कैसे कैसे बनता है, और इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए क्या करना होता है इसमें। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफिकेशन ऐसे ही जाएगा, आपको ये 2 लाइन का काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 6x² - 3
एंड माइनस सेवन एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चंस। तो सेकेंड क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या मान लेंगे, गिवन। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो गिवन पी एक्स इज इक्वल टू क्या, सिक्स एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स को पहले लिख लीजिए, सेवन एक्स और माइनस थ्री। अब इसको फैक्टराइज़ करेंगे, कैसे फैक्टराइज़ करते हैं आप लोगों को पता है, सिक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सिक्स और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एटीन। एटीन को फैक्टराइज़ कर रहे हैं हम लोग कितने से, टू, थ्री से, टू से जाएगा ये फैक्टराइजेशन, टू से नाइन टाइम्स में, और फिर थ्री से जाएगा थ्री टाइम्स में, फिर थ्री से वन टाइम्स में, आपको लाना क्या है सेवन। तो अभी कैसे लाएंगे, थ्री थ्री जो नाइन, और नाइन में से टू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा सेवन। लेकिन यहाँ माइनस सेवन लाना है इसलिए आप इसको नेगेटिव कीजिए और इसको पॉजिटिव कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस सेवन आ जाएगा। तो टारगेट अचीव हो गया है, फैक्टर्स के रूप में हम स्प्लिटिंग के रूप में सेवन, माइनस सेवन के स्प्लिटिंग के रूप में माइनस माइनस नाइन और प्लस टू का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट अस राइट डाउन दिस वन, दिस इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालिएगा आप, यहाँ से थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, थ्री टू जो सिक्स एक्स और फिर माइनस थ्री थ्री जो नाइन, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे प्लस वन, तो क्या बच जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, और इसको फिर से दोबारा हम लिख रहे हैं क्या, टू एक्स माइनस थ्री, और क्या लिखेंगे दूसरा वाला फैक्टर, थ्री एक्स माइनस नहीं प्लस वन। इस तरह से ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, थ्री एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री एंड थ्री एक्स प्लस वन। देयर फोर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स, आप क्या लिखेगा, देयर फोर जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स क्या हो गया, देख लीजिए पहले केस में ये लीनियर है तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो आ जा रहा है थ्री बाई टू, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ माइनस वन डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। अब आप क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज़ निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज़ निकालिएगा, ये पार्ट सिर्फ चेंज होता है, बाकी पार्ट जो कहते हो रह जाता है, सम ऑफ जीरोज़ आपको लिखना ही लिखना है और इस पार्ट को जस्टिफाई करना ही करना है। तो अभी आप क्या लिख रहे हैं, थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री, कैसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री, चूँकि ये दोनों प्राइम नंबर है इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, नाइन माइनस टू सेवन बाई, सेवन बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स देख लीजिए। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये नेगेटिव हो गया, सो दिस इज माइनस इंटू माइनस, ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको आप फिर से क्या लिखेंगे, माइनस माइनस सेवन, तो पॉजिटिव आ जाएगा डिवाइडेड बाई सिक्स। तो दिस इज़ हाउ वी वेरीफाई सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री, ये कितना आ जाएगा, ये थ्री है, आपको कैंसिल नहीं करना है, इसको रहने दीजिए आप, रह करके क्या मिलेगा आपको, माइनस थ्री बाई सिक्स। तो आप देख लीजिए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया, ये बड़ा शॉर्टकट पे वेरीफाई हो गया। सिमिलरली वी कैन सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के सवाल को ऐसे ही बनाना है, दो सवाल मैंने आपको बना करके दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तब इसको कैसे वेरीफाई करना है और जीरोस कैसे निकालना है, लेट अस सी वन क्यूबिक पॉलिनोमियल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस वन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सवाल है मेरे पास इस तरह से, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको क्या करना है, इसके जीरोज़ निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशियंट एंड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म 8 है, तो इसके फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहले तो इसके फैक्टराइजेशन को समझा जाए, बिना फैक्टराइजेशन के आप रिलेशनशिप को नहीं निकाल सकते। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 आर क्या क्या होगा, प्लस माइनस
1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, तो मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 4 को चूज़ कर रहा हूँ एज एन आर्बिट्ररी वैल्यू, और पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करने का कोशिश करूँगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं, जीरो है कि नहीं ये पता करना होगा। तो पी फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 टू द पावर 2 माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8। अभी क्या जा रहा है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128 माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 माइनस 56 और प्लस 8, ये ऐड इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 16, तो 136 माइनस ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 4 इज 0 ऑफ पी एक्स। अब अगर 0 पता चल गया है तो देयर फोर एक्स माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब आपको फैक्टर निकल गया तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं, बाकी जीरोस का पता कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन इसका आसान हो गया। x माइनस 4 आपको यहाँ से निकालना है, तो दैट इज हाउ इट इज़ पॉसिबल, पी एक्स इज इक्वल टू सी वी हैव 2x टू द पावर 3 माइनस, मेरे को 4 निकालना है इसलिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8x टू द पावर 2 आना चाहिए, जबकि है मेरे पास कितना 5। मतलब क्या हुआ कि मैंने माइनस 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया है तो प्लस 3 यहाँ पर कर दूंगा एक्स स्क्वायर, और 3x स्क्वायर करूँगा तो 3 का 3 4 जा 12, मतलब मेरे को इतना यहाँ पर कितना चाहिए 12x चाहिए, तो 14 में से 12x ले लिए। अब क्या बच गया मेरे पास, माइनस 2x और प्लस 8 ऑलरेडी है। अब आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर क्या बच जाएगा x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3x क्या बच जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा x माइनस 4, तो आपका एक जीरो मिल रहा है x माइनस 4 यहाँ से, तो x माइनस 4 आपके पास बाहर आ गया, तो क्या बच गया, क्वाड्रेटिक बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करना आसान है, ये x माइनस 4 क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में आप आसानी से काम कर सकते हैं, तो अभी क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, देख लीजिए क्या जा रहा है, x माइनस 4 और क्या आ गया, यहाँ पर 2x कॉमन है, x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 आ जाएगा, पूरे से x प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, तो x माइनस 4 यहाँ से x प्लस 2 बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है 2x माइनस 1। इस तरह से फैक्टराइज हो गया और आपके तीन जीरोज़ निकल गए, द जीरोज़ आर देयर फोर द जीरोज़ आर पहला क्या हो गया 4 एंड दूसरा क्या हो गया माइनस 2 और तीसरा क्या हो गया 1/2, तो तीन जीरो, चूँकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको तीन जीरो आसानी से मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशंस, वी हैव कैलकुलेटेड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशियंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो एक एक करके मैं इन जीरो को यूज़ करके यहाँ लिख ले रहा हूँ जीरो को, 4 माइनस 2 और 1/2, और अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करूँगा। दिस इज़ हाउ फैक्टराइजेशन इज़ डन। अब है वेरीफिकेशन ऑफ रिलेशन। पहला सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो पहला क्या है, 4 प्लस माइनस 2 प्लस 1/2, 4 इसमें से घट जाएगा क्या मिलेगा 2, और फिर प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व कीजिएगा क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 1 5/2। अब 5 यहाँ नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, दो बार नेगेटिव लेना है, माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में आपको जज करना है। दूसरा, अब आप क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकालिएगा, तीनों को आप क्या करिएगा मल्टीप्लाई, कैंसिल नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, कितना लिखेंगे माइनस 8 बाई 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या गया है 8, तो आपको चूंकि माइनस मिल रहा है तो आप क्या लिखेगा माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई को इफिशियंट ऑफ एक्स। यहीं पर मैं बता दूं कि अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका पी एक्स इस फॉर्म में है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आप सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैसे लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी बाई ए, क्या लिख रहे हैं माइनस बी बाई ए, और यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, तो माइनस डी बाई ए। ये रिलेशन आपका निकल रहा है, जो फर्दर आप हायर क्वेश्चंस बनाएंगे, हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब थर्ड नंबर क्या निकालना है, थर्ड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चूँकि ये क्यूबिक है तो ये एस्पेक्ट छूट जा रहा है, इसलिए इसको अलग से करना पड़ता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। तो इसको अगर आप लेंगे तो क्या करेंगे, एक एक बार में दो दो को लेना है, इज इक्वल टू, चलिए लिखा जाए 4 इंटू माइनस 2, फिर प्लस माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, फिर प्लस 4 इंटू 1 बाई 2, इन सबको जोड़ लिया जाए, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 2 बाई 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 4 बाई 2। सबको सॉल्व कर लिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, विल सॉल्व लाइक दिस, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जा रहा है माइनस 16, 8 2 जै 16, माइनस 2 2 जै 2 1 जै 2, और प्लस 4, तो ये हो गया माइनस 18, माइनस 18 में से 4 चला जाएगा तो माइनस 14 बाई 2। आप देख सकते हैं ये क्या है, फॉर्मूला देखिए, ये माइनस है, मतलब आपको क्या लिखना है को इफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई को इफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया वेरिफिकेशन, इसका कोडिफिकेशन कर लिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जा रहा है, ए बी सी, सी के जगह पर आ रहा है माइनस 14, तो आप क्या लिखेंगे सी बाई ए। तो इस तरह से ये कोडिफाई हो गया, फर्दर क्वेश्चंस के लिए, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। इसके अलावे एक और छोटा सेक्शन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में या इस तरह के क्वेश्चंस में, वो क्या, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वन, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली गिवेन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 1 बाई 4 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बना लेंगे इस पर, मान लीजिए आपको क्या दिया गया है 3 और 2, कुछ भी मान लीजिए, सम ऑफ जीरोज इज 3 ना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 2, तो इसके जगह पर 3 ले लेंगे, इसके जगह पर 2 ले लेंगे, बाद में इसको करते हैं, तो पहले इसको बनाया जाए। तो इस सवाल को बनाने के लिए मैं पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा इंटू
x माइनस बीटा। तो पिछले वीडियो में जो लिखा गया था उसको फिर से मैं लिख दूँ यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू, आपको क्या मिल रहा था, k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाता है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, गिवन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। देयरफॉर आप डायरेक्टली लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, आप ये फार्मूला लिख दें, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या कीजिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो के बाहर में है जो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1/4 इंटू एक्स है, और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 है। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम बन सकता है आपका। तो आप क्या बोलिएगा, लेट के इज इक्वल टू 4, यही कांस्टेंट है जो आप अपने अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज के का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अगर के इज इक्वल टू 1 है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए के से मल्टीप्लाई कर दिया आप 4x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बिकम x एंड देन 4 जा 16 प्लस 16। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाना है। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ सामेत क्लासेस। थैंक यू।